हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम ऑडिटिंग चैप्टर 10 के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। जैसा कि आपने देखा, हमने वेरिफिकेशन भी पढ़ लिया, वैल्यूएशन भी पढ़ लिया। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिस है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। मीनिंग के बेसिस पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वेरिफिकेशन मींस क्लैरिफाइंग द एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द आइटम्स स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में दी हुई हैं उन सबको वेरीफाई करना कि हाँ ये सही है नहीं है, बस उनको क्लैरिफाई करना होता है, ठीक है। वैल्यूएशन इन्वॉल्व क्रिटिकल एग्जामिनेशन द प्री डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स बाय द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे वैल्यू करना है, कैसे वैल्यू करना है, किस मेथड पे वैल्यू करना है, कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करना है, मार्केट प्राइस पे वैल्यू करना है, वैल्यूएशन का मतलब ये होता है, ठीक है। एडवाइस द एसेट्स आर वेरीफाइड बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। एसेट्स जो है ऑडिटर खुद अपने आप से ही वेरीफाई करता है, किसी और के थ्रू नहीं करा सकता। द ऑडिटर ऑन ऑब्टेन द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और इसमें क्या होता है, ऑडिटर जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब अगर मशीन कर रहा है तो जो मशीनरी डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे उनसे हेल्प ले सकता है, ठीक है। बाय हुम, किसके द्वारा किया जाता है? वेरिफिकेशन इज डन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज सीनियर पार्टनर। वेरिफिकेशन क्या होता है, या तो ऑडिटर खुद करता है या तो उससे जो सीनियर हो उसकी हेल्प बस ले सकता है, अपने जूनियर की हेल्प नहीं ले सकता, ठीक है। वैल्यूएशन इज डन बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट द एक्यूरेसी ऑफ दिस वैल्यूएशन इज डन बाय द ऑडिटर। ये क्या होता है, वैल्यूएशन मैनेजर भी कर सकता है, उसके मैनेजमेंट भी कर सकती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी चेक क्या करेगा, ऑडिटर ही करता है कि ये सही है या नहीं है। कर कोई भी सकता है लेकिन वो चेक कौन करता है, ऑडिटर। गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। अगर इसमें कोई भी गलती या कोई भी छूट होती है या कोई भी वो कुछ भूल जाता है करना या अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाता है तो पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑडिटर होता है। द ऑडिटर कैन नॉट अ गारंटी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज डिटरमाइंड बाय द एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है, ऑडिटर गारंटी नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन किसके द्वारा होता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एविडेंस, एडिक्वेट फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। क्या होना चाहिए, जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में दी हैं वो सब फिजिकली भी वहां प्रेजेंट होनी चाहिए उसके वेरिफिकेशन के लिए। वेरी लिटिल एक्चुअल प्रूफ इज अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन, देयरफॉर द ऑडिटर हैज टू रिले टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट द एस्टिमेट ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, बहुत थोड़ी सी चीजें, मतलब अगर हमें कुछ वाउचर्स मिल गए, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो हम क्या करते हैं उसके थ्रू वैल्यूएशन कर देते हैं। हमें मेथड पता होना चाहिए, हाँ इस एसेट्स को इस मेथड पे करना है, इस एसेट को इस मेथड पे करना है, तो हम उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर इसमें भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you so much.